AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी सचिन पंडित और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हमले का आरोपी सचिन पंडित ग्रेटर नोएडा की बादलपुर थाने का रहने वाला है। सचिन के पिता विनोद पंडित प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदार हैं। सचिन लॉ का स्टूडेंट रहा है। आरोपी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की हुई थी, जिसकी स्लिप सचिन ने सोशल मीडिया पर डाली थी। वहीं दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है और खेती करता है। पुलिस की अब तक की जांच में शुभम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकला। पूछताछ में शुभम और सचिन ने बताया, ये दोनों ओवैसी और उनके बेटे छोटे भाई के बयानों से बेहद नाराज थे। दोनों के पास से कंट्री में मुंगेर टाइप पिस्टल बरामद हुई है, जो इन्होंने हाल ही में किसी से खरीदी थी। एक दो लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे इन्होंने हथियार खरीदे थे, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर यह घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ